इंदौर से खबर, जहां जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर के घर कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त पहुंचे हैं। कैलाश विजयवर्गीय रमेश मेंदोला से भी मुलाकात करने पहुंचे। विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर बताया जा रहा है ये मंथन हुआ है। राजेश सोनकर, रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय, इन तीनों के बीच मुलाकात हुई है। और जाहिर है कि रमेश मेंदोला को फिलहाल हाल ही में बीजेपी हाईकमान ने जो जिम्मेदारी सौंपी है चुनाव प्रबंधन की सांवेर सीट को लेकर, क्योंकि राजेश सोनकर ने बता दें आपको, इसके पहले जो 2018 में चुनाव हुआ था तुलसी सिलावट के खिलाफ उन्होंने ही लड़ा था। उस वक्त तुलसी सिलावट कांग्रेस में थे और विधानसभा का चुनाव राजेश सोनकर फिलहाल उस वक्त हालांकि हार गए थे और विधायक भी रह चुके हैं। इसके पहले 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त राजेश सोनकर विजय प्रत्याशी थे, लेकिन हाल ही में बीते विधानसभा चुनाव में उनको तुलसी सिलावट के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। और अब चूंकि तुलसी सिलावट बीजेपी में आ गए हैं तो फिलहाल ये एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। हम रुक करेंगे इस वक्त पीयूष पारे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी देने के लिए। पीयूष, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला और राजेश सोनकर तीनों नेता नजर आ रहे हैं। क्या कुछ चर्चा हुई है और फिलहाल क्या है, अभी भी चर्चा जारी है, बैठक चल रही है या खत्म हो गई? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग बात करें तो सांवेर विधानसभा में नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मंत्री तुलसी सिलावट को लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक थी और इस बैठक में जो है वो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला वो मौजूद रहे। दरअसल सांवेर के पूर्व विधायक और मौजूदा जिला अध्यक्ष भाजपा के राजेश सोनकर के घर पर ये बैठक हुई थी और इस बैठक में सांवेर के समीकरणों को लेकर चर्चा हुई। दरअसल यहाँ पर जो बीजेपी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं तुलसी सिलावट की वापसी को बीजेपी में शामिल होने से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नाराज बताए जा रहे थे, उन तमाम नाराज कार्यकर्ताओं को साधना और सांवेर में कैसे जो है वो बीजेपी जीत दर्ज करे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उपचुनाव की आहट है और इसे लेकर आप कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से कमान संभाल रही है और तमाम दिग्गज नेताओं ने भी इसे लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। दीपक, शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पीयूष पारे बता रहे हैं कि फिलहाल जो सरगर्मियां तेज हो गई हैं इंदौर में, खासतौर से सांवेर विधानसभा सीट को लेकर जो तैयारी है बीजेपी की, उसको लेकर अब ये मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है और इस दौरान ये मुलाकात अब से कुछ देर पहले हुई और राजेश सोनकर ने भी इस बैठक के बाद कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक, जिन्हें संगठन ने आगामी विधानसभा चुनाव की जवाबदारी दी है, सांवेर विधानसभा की चुनाव की चर्चा को लेकर सौजन्य भेंट आज के लिए माननीय कैलाश जी और रमेश जी का प्रारंभ हुआ था। हर कार्यकर्ता सांवेर में चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम से लगे, इस योजना पर आज उनसे चर्चा हुई और कल हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बैठकर पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारा पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सबकी भूमिका तय करके आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने को उन्हें जवाबदारियां सौंप कर काम में लगाएं, इस मंशा को लेकर कल पार्टी कार्यालय पर बैठक होने वाली है। इसी संदर्भ में आज चर्चा करने के लिए उनका निवास पर आना हुआ था।